बनाए हैं आप। प्यार करना बड़ी अच्छी बात है, प्यार करो, शादी करो जीवन में। आय हाय हाय, इतने प्यार करे शादी शुदा लोग। सर आपका शादी हुआ तो भूख तो अपनी पंजाबी से तो दैट्स अ लॉट। क्या बात है यार, पंजाबी लोग हमको बड़े पसंद। पंजाबी ना हर चीज में आगे है, लेकिन एक चीज है जो पंजाबी उससे भी आगे है, उनका पेट। पहले क्या लगेगा, बाउंस बैक ब्रो, गॉड किस मी देयर बैक, और क्या चाहिए। ये हुआ ना बात क्या। ओके, हाउ मेनी गुजराती इन द हाउस। क्या बात है, ठीक हो, देख लिया कपिल, चलो शुक्र है। होते कई लोग ऐसे जो घर से कैटरीना कैफ देखने आए, सामने आते मोहम्मद कैफ दिख जाए, शुक्रिया। लेकिन अब शो को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे साथ और आर्टिस्ट आए हैं उनमें एक बहुत ही नगीना हमने संभाल के रखा हुआ है, जिसने हमारे साथ करियर शुरू किया था, लाफ्टर चैलेंज कॉमेडी सर्कल्स, कपिल शर्मा शो में जिसे बहुत से एपिसोड्स में आपने देखा होगा। आदमी एक, आवाज अनेक, अकेला मंच पे नहीं आता, बॉलीवुड के बहुत से एक्टर लेके स्टेज पे आता है। आपकी जोरदार ताली में बुलाना चाहूंगा, वन एंड ओनली जसवंत सिंह राठौर। थैंक यू भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, एंड हैप्पी टू ऑल, बड़ों के चरणों में प्रणाम। वैसे मैं थोड़ा एक्साइटेड था, मैं कहा बर्मिंघम में जा रहा हूँ पाउंड वाले लोगों के सामने, तो पाउंड वाउंड निकालेंगे, यहाँ कई लोग मोबाइल निकाल के बैठे, ये तो भाई इंडिया में भी निकाल लेते हैं। मुझे पता है इस समय आपने सोशल मीडिया पर डालना है, यहाँ से इंजॉय करने के लिए वहाँ पे है, लेकिन आप अभी खुद ना खुद इंजॉय करें ना पिछले वाले को। मुझे पता है जब घर जाके जाओगे ना वहाँ मेमोरी फुल देखे, सबसे पहले यही डिलीट करोगे, इसलिए रहने दो। चलो रे डोली उठाओ, कहा सितारे शत्रु बंसना, और हाडो टोरिया बलडीरा सुनील दत्त, मेरी बंगड़ डोला कैसे लूटा जितेंद्र, अरे गोरी मेरे दिल में तेरे हाथों में पहना के चूड़ी, ए मौज बन जा रे, ए देखना ना बोलिए, ए 10 बजे 1 बजे 4 बजे 7 बजे जाने दुश्मन। तो ये फिल्मों की बात अभी रिचार्ज करवाने सरदार पूरे 50 रुपए, सूरज के बच्चे इसने 45 रुपए 5 रुपए कम खा गया, सरदार प्रीपेड में 5 रुपए कम ही मिलता, किसकी दुकान से रिचार्ज करवाया, सरदार का टुंडे ठाकुर, फोन लगा उस टुंडे ठाकुर को, फोन गया संजीव कुमार, हेलो हेलो, अरे हंसी ठाकुर, हम गब्बर सिंह बोल रहे हैं, हमने तेरे दोनों हाथ काट दिए थे, फिर तू फोन पे बात कैसे करा, आराम सादे गरीब डाकू, मैंने ब्लूटूथ के हेडफोन लगाए थे। मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है बॉर्डर, बॉर्डर में जब सुनील शेट्टी की वाइफ उसको चिट्ठी लिखती बाप बनने वाला, अभी व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ के रो रहा है सुनील शेट्टी, उधर से कुलभूषण खुराना, अरे भगवान तेरा भला करे पैरों से, अरे शेर की आंख में आ सके तो खुशी क्या, घरवाली का मैसेज आ बाप बनने वाला, अरे देखना एक दिन मैं भी बाप बनूंगा, आप बाप नहीं बन सकते, क्यों भाई, आपसे मुंह तो खोलता नहीं, बेडरूम का दरवाजा क्या खोलेगा, अरे पैरों से
तो कहता था तेरी वाइफ के 3 साल से झगड़ा चल रहा है, बच्चा कहां से आ गया। ए, 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 ए। मैं 2-4 बार माफी मांग लू तो मैं आता हूँ। बड़ी फेवरेट फिल्म है पुनर्जन्म वाली, अमरीश पुरी राखी को बोल रहा है। अरे बुढ़िया, अरे लगता है आज बुढ़िया काम वाली भाई नहीं आई उसकी, इसीलिए ऑनलाइन नहीं आई। अभी अरे बुढ़िया, अब तो तेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, अब तू क्या करेगी? राखी दुर्जन सिंह मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, नया चार्जर लाएंगे, फिर रात को 2-2 बजे तुम्हें गंदे मैसेज भेजूंगी। एक बड़ी फिल्म जीत सनी देओल, जब उसे पता चलता है कि सलमान खान की शादी कृष्णा से होने वाली है तो अपने उसके बाप से हाथ मांगने आता है। इसमें सोशल मीडिया है तो सनी भाई है। बाबूजी मैं काजल को काफी देर से फॉलो कर रहा हूँ, वो भी मुझे फॉलो बैक करती है, हम ऑनलाइन सब कुछ कर चुके हैं। तुम्हारे साथ एक हैकर के साथ, अब मैं हैकर नहीं गया बाबूजी, काजल ने मुझे सारा सोशल मीडिया शुरुआत दिया। काजल तुम कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रही? चले जाओ, हमने तुम्हें अनब्लॉक मार दिया है सभी आईडियों से। तुम्हें थोड़ी सी चैटिंग कर ली, तुम तो वॉशरूम में भी वीडियो कॉल करते रहते हो। मुझे गलत मत समझो काजल, वॉशरूम में वीडियो कॉल इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वहां पर पड़ोसियों को वाईफाई फ्री मिलता है। अरे इतना तो बाबू जी डीपी चेक नहीं करते जितना मैं तुम्हारी डीपी चेक करता हूँ। अरे तुम अक्षर की फोटो भी डाल देती हूँ, मैं वहां भी लिखता हूँ नाइस पिक्चर डी है, फिर भी हमारी जिससे शादी हो रही है उसका अकाउंट पे ब्लू टिक लगा है, तुम कभी कभी मुझे शेयर कर सकते हो। काजल मैंने तो तुम्हें अपना पक्का पासवर्ड बनाने की सोची थी लेकिन तुम्हारे लक्षण ओटीपी वाले निकले। बहुत बुरा, तुम्हारे सारे स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े हैं, मैंने आते हुए कंप्यूटर चलाना छोड़ा है लेकिन हैक करना नहीं भूले। अगर तुम्हें उसकी एक भी नोटिफिकेशन आई तो तुम्हारे सारे वीडियो वायरल कर दूंगा और सबसे पहले टैग उसको करूंगा जो ये स्टेटस डालेगा गॉट मैरिड विद काजल, वायरल कर दूंगा तुम्हें वायरल। श्रवण के संगीत के साथ तम सिंह तबू राह मेरा मामा जब पहली बार दुबई गया मुझे याद है वो सारा परिवार बेचारा सैड, नानी कहती चिट्ठी आई है आई है गाना लगा, वो गाना लगाया सारा टब्बर बैठ गया, मामे को याद करते हैं गाना चला कैसे फल जाती थी ना गाना चला। मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी सिक्योरिटी घर पे नहीं सुनता कोई, तेरे कौन से सिक्योरिटी वाले सुनेंगे? नॉर्मल आदमी घर जाके बैल बजाता ना आवाज आती टिंग टोंग, ये बैल बजाता कहते तू कौन, ऐसी बातें करता रहता है फालतू में। मैं जब से यहाँ पर आया ना मतलब क्योंकि लोगों ने मुझे बोला था कि वंस मोर, जहाँ काम कर तेरे पैदा होने के बाद तेरी माँ ने बाप को बोल दिया था कि नो मोर, बट ये बस ये सब नहीं चलेगा क्योंकि मेरे बाप ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी है, दैट्स ऑल, ये बेस्ट परफॉर्मेंस दे दो। मेरी गलती, मैं इसको सीधे ही लंदन ले आया, बर्मिंघम ले आया, मुझे तुझे मेरठ लेके जाना चाहिए, अंबाला दिखाना चाहिए था पहले, सीधे ही लंदन। कल मेरी क्लास में आई पुराना कॉलेज पढ़ते रेड वाइन की बोतल दे गई, इसने दूध डाल के रोज सा बना के पी गया ये। हाँ 2 गिलास सिर्फ पिए थे, बाद में कहता लगता वो शराबी बहन का दूध डाल गया बीच में, पर मैं वैसे मजाक करता रहता, मेरे भाई की रिस्पेक्ट बड़ी था। ये वीजा लगवाने गया ना जब लंदन का, उन्होंने पूछा कहते आपका कभी वीजा रिजेक्ट हुआ है? कहता नहीं, कहते ये लो। सारे
दिखा दे तू क्या? ये फ्लाइट में बैठा एक आदमी घर जाइए तो उससे साइकिल देखो मैं हंसती हूँ, कहता एक गिलास जूस, इसने उसकी कॉपी करके कहता एक मेरे लिए भी, कहते तुम भी जूस मांगोगे तो संतरे को छिलेगा तेरा बाप। अच्छा ये तो सुना नहीं मैंने बताया फ्लाइट नंबर वन, ये तो उसने आती है उसने दिया एक्सक्यूज मी आपके बटन दबाएंगे मैं आज ही आऊंगी, उसे कहता कहता ये बटन अपने बेडरूम में लगवा दू। मैंने भी बड़ा झूठ बोला। अच्छा पर हाँ फ्लाइट में जब ये बैठा था ना एयर हॉस्टेस साइड रूम में, कहती सर एक्सक्यूज मी किसी को वॉमिट हो रहा है, कहता पर मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, कहती नहीं आपकी शक्ल देखी और आप यहीं पे कपड़ा डाल लेंगे। यार कितनी बड़ी बात, मतलब फिर बन गया दूसरे के साथ, उसने आगे पूछा उससे बोलती है ना मे आई हेल्प यू कैन आई, कहता नहीं कर तो आप बहुत कुछ सकती हैं लेकिन आपने मानना नहीं है। पर तू जो बेइज्जती करवाता ना मेरी क्यों यार, उसके सही कहती इस विमान में टोटल 8 द्वार हैं दरवाजे, कहता है हमें दे दो हमारे बाथरूम में नहीं है ना, बाथरूम में सिर्फ दरवाजा नहीं होता चार दीवारें भी करनी होती है यार, हमें तो आगे आगे से मतलब पीछे ऊपर से ऊपर। देखा भीट यार मुझे तुझे इतनी टेंशन है ना, एक काम कर इधर आ गया इधर किसी शादी करा ग्रीन कार्ड, ग्रीन कार्ड तेरा आधार कार्ड बड़ी मुश्किल से बना इंडिया में, लड़की देखने गया ना इसके डैडी लड़की वालों कहते हैं आपने हमारा बेटा देख लिया, कहते देखो जी हमें तो आज ही देखना था, आप रोज रोज कैसे देख लेते हैं। अच्छा जब ये पहली बार गया था लड़की देखने तो पूछती ना आगे लड़की चाय में कितनी चीनी लेंगे, कहता चीनी हमारे घर में अगर थोड़ा आटा मिल जाए तो गरीबी लेकिन ये लड़की देखने गया लड़की की बहने आगे चार कहती चीजू चीजू जूते उतारो, कहता वो तो शादी वाले दिन चुराते हैं, कहते चुराने नहीं मारने की शादी होती है वो सेहरा बांधता है, इसकी शादी हुई ना घोड़ी ने भी सेहरा बांधा हुआ था, घोड़ी मेरे को जानती थी रेशमा नाम था, रेशमा बात सुनते नहीं जी पाजी, तूने क्यों सेहरा बांधा है, कहती पाजी देखो इसने करनी शादी एक बार मेरा रोज का काम है, अगर किसी ने मुझे देख लिया इसको मैं छोड़ के आई हूँ मेरा तो काम खराब है। ऐसी कोई बात नहीं घोड़ी को कब से हिंदी आने लगी पे? अच्छा तेरी बार आती है मेरी घोड़ी पड़ी नहीं थी। चलो शुक्र कब से पड़ी मेरे स्कूल में थी मैं मामा जू में पढ़ा हूँ। ये अपनी बीवी को स्वागत दिन कहता देखो मैं बड़ा ओपन माइंडेड आदमी, अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया तो अब भी बता दो मैं कुछ नहीं कहूंगा। उसने चद्दर उठाई कहती मोंटी को जाने दो। दिल से करो ये सब नहीं करो। अच्छा जब ये पैदा हुआ तो घर में भाई मांगने वाले आते, तो भाई मांगने वाले आए ना तो सैड सॉन्ग गाने शुरू हो गए इसकी शक्ल देख के, तो हसीन साहब का भाव कहते नहीं
आपके घर में पहले चुटकुला पैदा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं वहां वहीं पे था, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बारी कोई बात नहीं हुई। मैं बधाई मांग रहा था, मैंने इसके घर में आए थे, आए थे, आए आए थे, नहीं आए, हमारे पास पैसे लेके क्यों आएंगे, तभी तो शिकायत लगा रहा। हमारा बड़ा प्यार है किसके साथ, दाई मारने वाले आए, इसका मुंह देख के कहते इधर आओ, इसके डैडी को ले गए साथ में, उन्होंने कूपन दिए खाने के, कहते आप जो आपके साथ हुआ है खाना बनाने का तो आपका मन करेगा नहीं, ये बाहर से ऑर्डर कर लेना। अच्छा जब ये नॉर्मल बच्चे पैदा होता है ना उसको झूले में डालते हैं, इसका बाप ने इसको झूले में डाला, पिछले दरवाजे से निकल गया। अच्छा जब ये पैदा हुआ ना, मैं पैदा हुआ ही नहीं था, मैं असेंबल कराया गया था। अच्छा है, शुक्र है कि इंडियन माल से सैंपल हुआ, चाइना से होता तो इतना कम चलता। मेरे दोस्त के लिए एक बार बोलता तालियां नहीं था। यार वो बंदा कह रहा था कि ना नहीं है, क्या कोई तो भाई केट जो मजा मां भाई साहब मजा मां खुश रहा, ये मेरा बचपन का दोस्त है, बचपन में नहीं पता होता किस तरीके का दोस्त बनाने हैं। मैं पैसे मांगता रहा जल्दी, और तुम्हें नहीं पता था, मुझे तो पता था किस तरह के दोस्त बनाने हैं। पर राजीव इतना टैलेंटेड है, आप टीवी पे जितना देखते हो टीवी पे आप पूरा नहीं देख पाते, क्योंकि इसका आधे से ज्यादा हम काट देते हैं वहां पे। क्या है ये, मेरी एग्जिट है, अच्छे से तारीफ करके बंदा भेजता है, फिर लोग कहते हैं तो हिट नहीं है। कौन कहता हिट नहीं है, वाह दे क्या बात है, सो स्वीट ऑफ यू, रिश्तेदार काम आते हैं कभी कभी, और अच्छी बात है तुम्हारे रिश्तेदार काम आ रहे हैं। और अजीब मैं तुझे एक बात कहनी भूल गया, गेट आउट, अच्छा जसवंत को बातें कर रहा था ना 80s की, मेरे को पुरानी कुछ चीजें याद आ गई, आजकल तो माहौल बदल गया है, OTT नेटफ्लिक्स ये सब आ गया, अपने हमारे बच्चों को ये वो सिस्टम नहीं पता होगा जब 83 में टीवी लॉन्च हुआ था इंडिया में पहली बार, और उसके बाद गांव में क्या कल्चर होता था, गांव वाला कल्चर जो लोग लोग पर्दे जोड़ के है ना, कभी कभी पर्दा नहीं मिलता था तो बुजुर्गों की धोतियां जोड़ के वहां पे फिल्म चलाते थे, गांव में अक्सर आपने देखा होगा सारा गांव बैठ के फिल्म देखता था, हम लोग ने भी देखा, कभी कभी जाते थे अपने नान के गांव, नाना नानी के गांव तो देखते थे, बड़े पर्दे पे फिल्म चल रही, पूरा गांव बैठ के देख रहा है, विनोद खन्ना डाकू बना हुआ, पीछे पुलिस भाग रही, सबको डर रखता था विनोद खन्ना ना पकड़ा जाए, विनोद खन्ना तो पकड़ा नहीं जाता था, हवा आती थी पर्दा गिरता था, पीछे गांव का सरपंच पकड़ा जाता था। खुलेआम स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाता हुआ, कभी कभी हवा तेज चलती थी ना पर्दा हिलता था, फिल्म सीरियस चल रही है, जया भादुरी और एक उनके ससुर खड़े, सीन चल रहा है सीरियस सीन, लेकिन पर्दा हिल रहा है तो उसका विजुअल कैसे होता है, डायलॉग के साथ बात विजुअल नहीं जा रहा, बड़ा सीरियस जया भादुरी सीरियस होकर बोल रही, अब मैं रमेश के साथ एक पल भी नहीं रह सकता, बात बात पे डांटते मेरा तो दम घुटने लगा है, ससुर भी पूरा सीरियस, देखो बेटे शादी एक गाड़ी के दो पहियों की तरह होती है, एक भी पहिया ढीला हो जाए तो जीवन खराब हो जाता है बेटी, होता था ना मजे ऐसे। मैं कुछ चीजें हैं, मैं सिंगर्स की आपको एक चीज सुनाता हूं, क्योंकि आज हमारे म्यूजिशियन दोस्त भी साथ में हैं, सिंगर लोग जो होते हैं ना बड़े चलाक होते हैं, पहले के टाइम में ऑर्केस्ट्रा वाले होते थे ना, तो माहौल देख के ये लोग परफॉर्म करते हैं, ये देख लेते हैं कि ऑडियंस किस तरीके की है, पहले माइक आते थे जैसे ये कॉर्डलेस आ गए, पहले तो तार वाले होते थे, तो ये लोग कैसे करते थे माइक के साथ ही खेलते रहते थे बेचारे, शादी का प्रोग्राम और गाना गा रहा है सिंगर, बैठा तलवार में उसको बड़ा गुस्सा आता था, सारे पैसे मेरे लग गए मैनू तेरा आ रहा है। अब तो ये डीजे वाला सिस्टम आ गया ना, ये लोग अपनी प्रमोशन खुद ही कर देते हैं जो डीजे वाले होते हैं,
आजकल बड़ा फैशन आ गया इंडिया में, अगर आप जाओ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। वो अपनी प्रमोशन कैसे करते हैं, गाना चल रहा है कागज कलम दवा देख लेते हैं कि आदमी बहुत गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ है, तो गाने कैसे चलते हैं, शीशा हो या दिल हो आखिर तेरे दिल वो भी सुन रही है।
शुरू करूं।
चिट्ठी में कोई संदेश, ओ चिट्ठी में कोई संदेश, जाने कौन सा देश जहां तुम चले। चिट्ठी में कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। हर पीढ़ी चलाई ले